आने वाले हैं आकाश सकपाल, देखने वाली बात। राइट हैम और द विकेट, इस बार अच्छे गेंदे कट किया फील्डर, मौजूद रन आउट का मौका बन सकता है, एक रन मिलेगा, एक ओवर का खात्मा होगा, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन पर बिना किसी नुकसान के। देखिए बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर देख रहे, जहां पर बाबू सुरवे का कमाल की गेंदबाजी देख रहे, 5 रन खर्च के एक ओवर के खात्मे के बाद। बाबू सुरवे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आकाश सकपाल की बात की जाए, 6 गेंद देखे, 6 गेंदों की तरफ 5 रन बनाए गए, एक लेके छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते। होटल स्टे इन एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज हम देख रहे हैं फहद को अपनी कोटी से, देखिए पहली ओवर लेकर आ रहे टीम की ओर से दूसरी, जहां पर पहली ओवर के अंदर बाबू सुरवे की कमाल की गेंदबाजी। मैंने पहले कहा था ये तैरकी का जादूगर है और जादू से घुमाया था बल्लेबाज आकाश सकपाल को। पहले 4 गेंदे आने वाली, गाटा बदल रही थी गेंद, सीधा कीपर के दस्तानों में निकल रही थी, वहां पर थोड़ा सा जतिन ने जाकर कान मंत्र दिया है। देखने वाली बात, ये कान मंत्र कैसे साबित हो गए आने वाला समय बताएगा, आने वाली गेंदे बताएगी। ये क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला बीच मैदान के अंदर प्रगति पर चल रहा है, जहां पर बिग बैटल मोटी लड़त मित्रांनो पाहत आहे। नक्कीच कुठे जाऊ नका, इथेच थांबा, बघत रहा, पाहत रहा, आपण पाहतोय नक्कीच फॅमिली मॉल चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 चा महारण संग्राम। नक्कीच पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षक आणि सर्व खेळाडूंचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। मी सुहेल नादगावकर, व्हॉइस ऑफ सोंडेगर। देखिए गेंदबाजी के लिए राइट हम और द विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए फहद गेंदबाजी कर रहे, जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज आकाश सकपाल है। इस बार गेंद को इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में ट्रैवल किया, जब तक देखिए फील्डर फील्ड करने वाले, तब तक 1 ही रन मिलने वाला है। वलीम मुकादम यांचं आगमन होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्टेज वरती येऊन बसून घ्यायचंय वलीम मुकादम, पुन्हा एकदा तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। चलते मॅच की तरफ, जहां पर एक बड़ा मुकाबला, वलीम भाई एक बड़ा मुकाबला देख रहे बीच मैदान के अंदर। स्ट्राइकर बल्लेबाज हम अमय पालकर को देख रहे, तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आकाश सकपाल को देख रहे हैं। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग सिली मिड ऑन मिड ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, जहां पर बात की जो पॉइंट का खिलाड़ी डीप में खड़ा है, यानी कि फील्डिंग की रचना थोड़ी सी अलग दिख रहे हम। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दिख रहे सर्कल के अंदर दिख रहे है, थर्ड मैन फाइन लेग। जहां पर इस मैच के अंपायरिंग की बात की जाए, अमित सर और मकबूल सर जो अच्छा अंपायरिंग कर रहे हैं अभी तक हम बात करें, फिर से एक बार पहुंच चलते हैं। राइट हैम राउंड विकेट के साथ होटल एंड की तरफ से यॉर्कर की गेंद, इसको खेला अब फील्डर मौजूद है, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल हो रही है, गेंद के लिए फील्डर आ रहे हैं, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन 2 रन आसानी के साथ, 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची। कुल मिलाकर बात की जाए 8 रन पर रन संख्या जा पहुंची है। देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और मिसफील्ड का फायदा उठाया, एक्स्ट्रा रन मिला, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 8। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फहद गेंदबाजी कर रहे हैं होटल से इन की तरफ से गेंदबाजी के लिए। राइट हम राउंड ऑफ गए थे, ओहो इस बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन इस बार अंपायर अमित सर नकारते हुए इस अपील को, जोरदार हुई थी जरूर, लेग बाय के रूप में थाई पे गेंद लगा था। ऐतिहासिक आजाद मैदान, आजाद मैदान के अंदर ये चमचमाते हुए खिलाड़ी हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर, परफॉर्मेंस अच्छा है अभी तक, दोनों टीम तगड़ी है और ये तगड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर देख रही है। ये घमासान वाला मुकाबला, रोमांचक मुकाबला बनने वाला है, जरूर आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। जहां तक बात की जाए तो स्ट्राइकर बल्लेबाज अमय पालकर, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं, तो एक बार राइट हम रावण विकेट के साथ, ओहो हो क्या गमाल की गेंदबाजी कर रहे फहद, मुझे लग रहा है थोड़ा लंबे अंतराल के बाद इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं उनको, और क्या गमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार क्रिकेट से दूर रहते, लेकिन फिर से एक बार आने के बाद क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही, देखिए लगातार कांटा बोल रहा है,
और गेंद सीधा कीपर के दस्तों में निकल रही है। बिंदी गेंद आने वाली है और जितने बिंदी गेंद आएगी उतना प्रेशर बिल्ड होगा दोस्तों। देखने वाली बात, अमय पालकर मानो लग रहा है बड़ा शॉट खेलने का मौका और विकेट गिरने का मौका बन सकता है। फिर से एक बार चलते हैं, देखे फिर से एक बार क्या है। लेकिन मैंने कहा था कि विकेट बन सकता है क्योंकि प्रेशर बिल्ड हुआ था, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का ऊपरी सेलेक्ट हुआ, कैच ड्रॉप हुई है। देखिए कैच छोड़ो ये मैच छोड़ो समीकरण कहता है। देखिए आप उनके देखिए इंटरनेशनल अगर कमेंटेटर की बात करें तो आकाश चोपड़ा आकाशवाणी अगर बात की जाए तो ये कमाल के आकाशवाणी करते आकाश चोपड़ा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखे फहद गेंदबाजी कर रहे, क्या कमाल लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, किफायती गेंदबाजी, गेंदबाजी का टप्पा अच्छा है। फिर से एक बार बल्ले का ऊपरी सा, बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, फहद सेलिब्रेशन बनने वाला है। अमय पालकर प्रेशर में नजर आ रहे थे, जरूर स्ट्रगल कर रहे थे और मैंने पहले कहा था कि विकेट बनने का मौका बनेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन पर रुकी हुई है, दो ओवर का खात्मा, दो ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉपिक चिकटे याचं आगमन होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत फॅमिली वाल चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 1 मध्ये। नक्कीच स्टेज वरती येऊन बसून घ्यायचं आहे, टॉपिक चिकटे मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे तुमचं। वली मुकादम तुमचा पण मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 1 के अंदर, जहां पर एक बड़ा मुकाबला देख रहे दोस्तों, बिग बैटल, मोटी लड़त, तगड़ी मैच बीच मैदान के अंदर चलती हुई, जहां पर बल्लेबाज अमय पालकर थोड़े से प्रेशर में नजर आए, बिल्ड हुआ था प्रेशर, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और डग आउट की तरफ लौटना पड़ा बल्लेबाज को। दो विकेट का पतन, दो ओवर का खात्मा, दो ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन पर रुकी हुई है। पूरी तरह से इस बार हमला बोला है गेंदबाजों ने, रोहल दापुरे ने टॉस जीता और टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, पहले गेंदबाजी का फैसला अभी तक अच्छा साबित होता हुआ बीच मैदान के अंदर। जहां तक बात की जाए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के राह में बना रहना पड़ेगा दोस्तों। तौफीक भाई चिकटे खास, तौफीक भाई चिकटे खास दुबई से इस मैच को देखने के लिए आए हैं दापुली के अंदर, उनका हम फिर से एक बार फैमिली मॉल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 के अंदर स्वागत करते हैं। ओह या क्लैंक की गिनती, माइकर दापुली के शोहेब इनका आगमन होता हुआ, हम उनका फिर से एक बार तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं फैमिली वाल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 के अंदर। बसून गए चांगली मैच पर हाथ है, आहा इस बार अच्छी गिनती, अंपायर का इशारा आना बाकी, व्हाइट का इशारा, देखिए मकबूल भाई अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर अंपायरिंग के लिए। जो हम ट्रॉफी देखने वाले हैं, इमरान भाई, तौफीक भाई चिकते, इनके भांजे ने इस ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया है। हा इस बार अच्छा शॉट, गेंद सीमा पार, अकुर टप्प्याचा चेंडू, चेंडू वरती प्रहार, चेंडू सीमा पार, षटकार, ब्रांडेड षटकार आकाश सकपाल। देखिए ट्रॉफी हम देखने वाले, उस ट्रॉफी का अगर बात की जाए तो फीक चिकते इनके भांजे ने इस ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया है, हम इनका फिर से एक बार तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। फैमिली मॉल चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के अंदर ये पहला सीजन है और आने वाला सीजन इंटरेस्टेड रहने वाला है, अगले साल इससे भी अच्छी टूर्नामेंट जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। सामी वर्मा रे यांचं आगमन होते, त्यांचा मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, चला स्टेज वरती येऊन बसून घ्यायचं, एक चांगली मैच पाहते मित्रांनो, नक्कीच मोठी लढत, तगड़ी मैच। एक बार चलते, यहाँ पर उड़ाया गेंद को, यहाँ पर फील्डर मौजूद मुदस्सर, विकेट का पतन, आकाश सकपाल बैक टू पवेलियन, एक तीरी तो एक मेरी, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, आकाश सकपाल सकपाल को कह रहे गेंदबाज बाबू सुरवे। देखिए विकेट का पतन होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर रुकी हुई है 15 रन पर, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे, देखे
इसके बाद होने वाला मुकाबला सनी कोंड वर्सेस पालंदे के बीच, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। यहां तक बात की जाए अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर, जतिन सालगांवकर खुद कैप्टन मैदान के अंदर दाखिल हो रही है। इसके बाद होने वाला मुकाबला फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला, बिग बैटल पालंदे वर्सेस सनी कोंड। पर एक बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर तक का मुकाबला चलता हुआ, मोटी लड़त पहाड़ में दरन की देख रहे हैं। जहां तक बात की जाए बल्लेबाज जतिन सलगावकर और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम बंट्या शिरकाव को दिख रहे हैं। जहां पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बाबू सुरवे, स्ट्राइकर बल्लेबाज जतिन, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बंटे शिर्के, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बाबू सुरवे, फिरकी का जादूगर चिपलून एक्सप्रेस गेंदबाजी मार्क पर, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है रन संख्या कुल मिलाकर रुकी हुई है। जहां तक बात की जाए 15 रनों पर रन संख्या, तीसरी ओवर पर गति पर चल रही, जहां पर राहुल दापोले ने टॉस जीता और टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू फील्ड भी अभी तक अच्छा साबित होता हुआ। रिवर्स रिवर्स खेला, गेंद निकल रही इस बार, वन बाउंस टू बाउंस सीमा रेखा के तरफ, 4 रनों के लिए मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार, सीमा रेखा पार, चौका ब्रांडेड चौका। रन संख्या की बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन पर जा पहुंची, जहां पर गेंदबाज हम बाबू सुरवे को देख रहे हैं। बाबू सुरवे का स्वागत किया, स्वाग से करेंगे स्वागत जतिन सलगांवकर ने। दापोली 11 का रन संख्या जाकर वो जिक्र मिला 19 रन पर, जहां पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी क्या कमाल की चल रही। इस बार थोड़ा सा गेंदा स्लॉट में थी, उसे पार किया पार्किंग लॉट में। फील्डिंग की रचना देखी जाए तो मिड विकेट सिली मिड ऑन, एक स्ट्राइक ओवर लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, अगली गेंद राइट ओवर द विकेट। इस बार स्वीप खेलना चाहते थे गेंद के अंदर, इस बार सिली मिड ऑन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, आहा इस बार रनआउट का मौका बन सकता है। इस बार डायरेक्ट हिट, बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, अमित सर का इशारा आता हुआ, जतिन सालगांवकर को बैक टू पवेलियन लौटना पड़ेगा। अच्छा थ्रो वहां पर अप्पू का, एक रन मिलेगा, एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन पर जा पहुंची। इमरान भाई आइनरकर इनके तरफ से 200 रुपए का इनाम अप्पू के लिए। क्या थ्रो किया, डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज जतिन सालगांवकर बैक टू पवेलियन, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। तीन ओवर का खात्मा, तीन ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन बनी है, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है। लास्ट लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट एक बॉल, वन टू गो, एक बॉल आना बाकी है। एक बॉल, एक बॉल, आखिरी की तरह बाकी। अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर स्वप्निल, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बंडा शेर के। जब तक बंडा है तब तक कुछ भी हो सकता है, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा उस सबसे बड़ा होने वाला है बीच मैदान के अंदर। कौन बड़ा होगा देखने वाली बात, आने वाला समय, आने वाला शाम, और शाम आज की शाम किसके नाम देखने वाली बात। राजा दरबार की ओर से गेंदबाजी के लिए एंड के बार के तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हम बाबू सुरवे को देख रहे हैं। आखिरी गेंद, ओहो हो अच्छी गेंद, इस बार रन लेना चाहते हैं, रन आउट का मौका बन सकता है, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ तीन ओवर का खात्मा, तीन ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या जाकर पहुंची। ट्वेंटी वन, 21 रन तीन ओवर का खात्मे के बाद 21 रन बने हैं। यहां पर बात की जाए तो इस बार क्या कमाल की गेंदबाजी की बाबू सुरवे ने, लगातार जादू का रिहान चिकटे यांचं आगमन होते, त्यांचं मनापासून फॅमिली मॉल चॅम्पियन्स ट्रॉफी यांच्याकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत। नक्कीच स्टेज वरती येऊन बसून घ्यायचं आहे रिहान चिकटे।
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अप्पू। देखने वाली बात, एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए हम अप्पू को देख रहे हैं। एक दशक का हिस्सा था, इस दशक के अंदर इस खिलाड़ी ने लगातार अपने दापुली का नाम, अपना नाम एक बड़े स्टेज पर लेके गए है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अप्पू, जादू का इस बार फिरकी का जादूगर हम देख रहे, बाबू सुरवे चिपलून का जादूगर, तो हम दापुरी का जादूगर देख रहे अप्पू को। देखने वाली बात, राइट लेफ्ट आर्म गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी करेंगे। होटल स्टे इन एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार अप्पू। रन संख्या कुल मिलाकर 21। देखने वाली बात, इस बार हाल क्या तो से खेला, एक्स्ट्रा कवर की तरफ वन बाउंस सी मारेगा की तरफ, चार रनों के लिए ब्रांडेड चौकार। स्वप्निल जब बैठे होते तो मित्रों नक्की थे चांगला शॉट शॉट एक्स्ट्रा कवर वरती। संख्या 25। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, देखे हाल क्या तो से खेला था फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए मौका मिला, मौके के ऊपर जड़ा चौका बल्लेबाज स्वप्निल, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए इस बार ऐसी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है, अगर एक बड़ा टोटल पहाड़ जैसा टोटल खड़ा रखना है रॉयल दापोली के सामने। अगर बात की जाए लाला मोहसिन बुरवणकर ऊपर, लाला एक बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर नजर आने वाला है जरूर। गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज हम अप्पू को देख रहे, जहां पर अप्पू लेफ्ट आर्म गेंदबाज, राइट आर्म राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे। होटल स्टे इन की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार, जहां तक बात कीजिए फील्डिंग के मिड विकेट मिड ऑन सिली मिड ऑन की तरफ खिलाड़ी। अगली गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, गेंद निकल रही चौके की तरफ, वहां पर उसामा मौजूद, लेकिन गेंद निकल रही है, गेंद चौके की तरफ, बैक टू बैक दूसरा चौका, ब्रांडेड चौकार बैक टू बैक। रन संख्या की बात कीजिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन पर रन संख्या। लगातार फुल टॉस गेंदबाजी कर रहे, दिशा से भटक रहे, देखिए गेंदबाज अप्पू अगर दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। इस बार अप्पू की थोड़ी सी खराब गेंदबाजी हो रही, बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रेशर में गेंदबाजी कर रहे हैं। दो ओवर के अंदर तीन ओवर खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बनी थी 21, लेकिन उसके बाद अप्पू आए, अप्पू के दो गेंदों पर बैक टू बैक दो चौके लगे हैं। आने वाले चार गेंदों के अंदर कितने रन बनेंगे, स्वप्निल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कि अपने टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगर इस मुकाबले के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है, अगर इस मुकाबले के अंदर जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के अंदर बने रहेगा, जो हारा उसका घर का रास्ता था। ये दोस्तों फिर से एक बार चलते जहां पर राइट अप ओवर द विकेट, ओहो एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक देखिए इस बार रन आउट का मौका बन सकता है। दूसरा रन लेना चाहते हैं इस बार, देखने वाली बात, दो रन आसानी के साथ, अच्छी रनिंग विद द विकेट। देखिए थोड़ी सी चर्चा होगी, देखने वाली बात, अनशनशन नियम अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन असणार आहे, नक्कीच पंचायत जवळ बात करायची नाही आहे।
पंचाने डिसिजन सांगायचं, पंच पंचांचा डिसिजन लास्ट डिसिजन असणार आहे मित्रांनो, पंचांचा डिसिजन हा लास्ट डिसिजन असणार आहे. पंच डिसिजन सांगायचं आहे,
हेलो पंचानी 2 मिनिटं निर्णय द्यायचा आहे, शेवटचे 2 मिनिटं निर्णय जात आहेत आणि पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील। कोणी तिथे वाद घालायचा नाही आहे। कमिटीशी आमचा आम्हाला मार्गदर्शन करा दोन्ही टीमांनी। शेवटचे 2 मिनिटं दिले जात आहेत, बाकी सर्वांनी बाहेर यायचं आहे। दोन्ही संघ आहेत, आपुलीचे संघ आहेत, दोघा टीमांना विनंती आहे की कॉपरेट करायचं आहे। आपला दापोलीचा आझाद मैदान ग्राउंड आपली स्वतःची चौथी पर प्रगति पर चल रही है, जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज स्वप्निल नॉन स्ट्राइकर बढ़िया शेर के राइट हैंड राउंड विकेट के साथ। ओहो इस बार अच्छी गेंद थी, सीधा गेंद के अंदर कीपर के दस्तर में कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। इस बार देखिए पूरी तरह से बल्लेबाज को रोक के रखा है। अपू गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज सोप ने राइट हैंड राउंड विकेट के साथ ओवर द विकेट के साथ सॉरी अच्छी गेंद इस बार रन लेना चाहते हैं। अंपायर का इशारा वाइड दिशा से भटक रहे गेंदबाज अपू। रन संख्या की बात किया जाए, रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन पर पहुंची। देखिए थोड़े से महंगे साबित हो रहे बल्लेबाज गेंदबाज अपू। अपू की बात की जाए, पहले दो गेंदों के अंदर बैक टू बैक दो चौके जड़े थे इस बार बल्लेबाज स्वप्निल ने। स्ट्राइकर बल्लेबाज बंडिया शेर के नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज स्वप्निल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अपू गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग की रचना देखिए, पॉइंट का खिलाड़ी दीप में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बीट विकेट बीट ऑन अगले गेंद चलते फिर से एक बार। ओहो कट लगती हुई गेंद निकल रही है, सीमा रेखा के तरफ इस बार 4 रनों के लिए मिलेगे चार तो होगा बेड़ा पार। स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ बैक टू बैक तीसरा चौका, क्या मैग्निफिसेंट बल्लेबाजी कर रही है। थर्ड बैन की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई तेजी के साथ आउटफील्ड तेज, मिलेगे चार ब्रांडेड चौका। रन संख्या जाकर पूछी कुल मिलाकर बात कीजिए तो 37 रनों पर मुझे लग रहा आखिरी गेंद आना बाकी। गेंदबाजी मार्ग पर आपको गेंदबाजी कर रहे थे कि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। रिवर्स खेला फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए खराब गेंदबाजी इस बार अपू के। दोबारा रिवर्स खेला और गेंद निकल रही सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट ब्रांडेड शटकार, बढ़िया ब्रांडेड शटकार। 4 ओवर का खात्मा, 4 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 44 रनों का टारगेट रखा है। 24 गेंदों के अंदर 44 रन बनाने हैं। अगर इस मुकाबले को रॉयल दापोली को जीतना है 24 गेंदों के अंदर 44। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।
चला दापोली इलेवन, चला शतरक्षण लावून घे दापोली इलेवन। इसके बाद होने वाला मुकाबला फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला पालनदे वर्सेस सनीकोन दापोली। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है, सनीकोन दापोली वर्सेस पालनदे जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। सनीकोन दापोली वर्सेस पालनदे, सलामी वीर वर्मा हिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। चौबीस गेंदे, चौबीस गेंदों के अंदर 44 रन बनाने हैं, जहां पर बल्लेबाज सलामी वीर वर्मा हिक बल्लेबाज मुदस्सर और मोहसिन और पर लाला। देखने वाली बात है कैसी बल्लेबाजी करते हैं मोहसिन अपने टीम के लिए, जहां पर रोहिल दापोली को जीतने के लिए 24 गेंदे, 24 गेंदों के अंदर रन बनाने हैं 44, 44 रन का टारगेट, एक बड़ा टोटल, पहाड़ जैसा टोटल। पालनदे वर्सेस सनीकोन दापोली जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। चला धोनी पंच विनंती है, मैच लवकर लवकर चालू करूंगे जब पंच। स्ट्राइकर बल्लेबाज मोहसिन, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मुदस्सर। फील्डिंग की बात की जाए मिड विकेट और लॉग ऑन के दिशा में डिप में खिलाड़ी मौजूद। अगर फील्डिंग की बात की सर्कल के अंदर तो फाइन लेग हम देख रहे हैं, थर्ड मैन देख रहे हैं, पॉइंट सिली पॉइंट लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आ रही है, जहां पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आकाश सकपाल। दापोली 11 का एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बीच मैदान के अंदर, स्ट्राइकर बल्लेबाज मोहसिन। यह बिग बैटल बनने वाला है, एक तरफ आकाश तो दूसरी तरफ मोहसिन, ये बड़ा बिग बैटल है, बैटल बनेगा, ये तगड़ा बैटल चलता हुआ बीच मैदान के अंदर। अगली गेंद देखने वाली बात, पहली गेंद पर उड़ाया गेंद को, गेंद सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए, पहली गेंद पर स्वैग से करेंगे स्वागत मोहसिन और लाला। लाला के बल्ले से निकलता हुआ ब्रांडेड षटकार, देखिए मैंने पहले कहा था ये बैटल बनेगा, और पहली गेंद पर आकाश सकपाल का स्वागत किया, स्वैग से करेंगे स्वागत, मैंने पहले कहा था ये बिग बैटल है, ये बैटल बनेगा जरूर, ये तगड़ा बैटल। देखिए गेंदबाजी के लिए रजा दरबार की ओर से एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे, जहां पर आकाश सकपाल पहली ही गेंद पाले में गेंद थी, उसे पार्क किया पार्किंग लॉट में, क्या कमाल लाजवाब शॉट था। जब तक मोहसिन है तब तक रॉयल दापोली है, चलते फिर से एक बार राइट हम राउंड विकेट, शॉर्ट गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल, एक रन आसानी के साथ, दूसरा लेना चाहते हैं, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल हो रही, अच्छी फील्ड वहां पर, दूसरा रन आसानी के साथ, दो रन के साथ संतुष्टि होगी, अच्छी रनिंग मिडिल विकेट, अच्छी फील्ड वहां पर फील्डर की, दो रन के साथ रन संख्या जाकर पूछी, कुल मिलाकर बात कीजिए 8 रन पर, जहां पर शॉर्ट गेंद था उसको कट किया पॉइंट की दिशा में, स्लिप पॉइंट की दिशा में, 45 शॉट, रन संख्या कुल मिलाकर 8, 44 रनों का टारगेट चेस करते हुए मोहसिन स्ट्राइकर बल्लेबाज। फील्डिंग की बात की जाए फील्डिंग की रचना, पावर प्ले का ओवर लेकर आकाश सक पर राइट हम राउंड विकेट, फिर से एक बार देखने वाली बात, फिर से एक बार पाले विकेट, इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, आउटफील्ड तेज है, गेंद निकल रही सीमा रेखा की तरफ, ब्रांडेड चौकार लाला, ब्रांडेड चौकार लाला, ऑन फायर बीच मैदान के अंदर, लाला ऑन फायर है बीच मैदान के अंदर, थोड़ी सी पाले में गेंद दी, उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया, पंख लगा के
चार रनों के लिए। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंची 12 रन पर, जहां पर आकर्षक पल महंगे साबित हो रहे हैं। मोहसिन उर्फ लाला की बात की जाए, एक बड़ा खिलाड़ी स्टार प्लेयर दापोली का, यहां पर दाप चिपलून के अंदर एक लीग हुई थी, उस लीग के अंदर 10 गेंदों के अंदर 10 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर। आकर्षक पर राइट हैंड ओवर द विकेट, इस खिलाड़ी के पास भी जरूर क्षमता है, लेकिन लाला ऑन फायर है। इस बार फुल टॉस, गेंद उड़ाया गेंद को, गेंद लॉग ऑफ के दिशा में, चार रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा चौका, ब्रांडेड चौका। देखिए उनका लड़का मैच देख रहा है, उधर खड़ा रहकर इमाद। एक बार रन संख्या की बात की जो रन संख्या कुल मिलाकर जाओ पूछी 16 रन पर महंगे साबित हो रहे। देखिए चार गेंदे हुई, चार गेंदों के अंदर पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डबल आया था, और तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक दो चौके आते हुए फिर से एक बार चलते राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए। उड़ाया गेंद को, गेंद निकल रही है, इस बार रन देना नहीं चाहते थे, इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा यॉर्कलैंड की गेंद उसको खेलना चाहते थे लॉग ऑफ की दिशा में, लेकिन बिंदी गेंद आ रही है। इस बार थोड़ा सा कमबैक करते हुए गेंदबाज आकर्षक पाल, थोड़ा सा इस बार राहत की सांस ली होगी गेंदबाज आकर्षक पाल ने। फिर एक बार चलते राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ, ओहो इस बार अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर से एक बार बिंदी गेंद, मोहसिन थोड़ा सा इस बार समझ ना पाए गेंद को, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन बिंदी गेंद आ रही। एक ओवर का खात्मा, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या बनी कुल मिलाकर 16 बिना किसी नुकसान के। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। इसके बाद होने वाला फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर पालन देव वर्सेस सनिक और दापोली, जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। एक तरफ पालन देव तो दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं सनिक और दापोली। एक ओवर का खात्मा, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या 16। अकबर काजी अकबर उदय बड़ा बसुर हार्दिक हार्दिक स्वागत फैमिली माल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 के अंदर, उनका फिर से एक बार हम तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। यहां पर गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं हसन टिकले, लेफ्ट आर्म गेंदबाज होटल स्टे इन एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। जहां तक स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज मोदस सरमांसगन के 9 इन, फील्डिंग की बात की जाए फील्डिंग मिड विकेट बीड ऑन, अच्छी गेंद इस बाहर, गेंद बिंदी आ रही है, मुदस्सर समझ ना पाए गेंद का, ने थोड़ा सा काटा बदला था, गेंद निकल रही सीधा कीपर के दस्तानों में, जहां पर गेंदबाज हसन टिकले गेंदबाजी कर रही है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हसन टिकले, स्ट्राइकर बल्लेबाज मुदस्सर मात गेंद कर, तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं। जहां तक बात की जब मोहसिन, मोहसिन ने अभी तक बनाई 16, अगली गेंद इस एक बार अच्छा शॉट खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ के, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्ड वहां पर, एक रन है, जब तक फील्डर फील्ड करेगा तब तक दो रन आसानी के साथ, थोड़ी सी मिस फील्ड हम नजर आती भी आकर्षक पल की ओर से। फील्डिंग की रचना देखी जाए तो इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, सिली मिड ऑन, थर्ड मैन, बस सेमीफाइनल मुकाबला पालन देव वर्सेस सनिकोंडा पुलिस कर्णधारियां है। इस बार शॉट गेंद थी लेकिन क्लीन बोल, डांडी 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 गोल, बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, पहले विकेट का पतन। सनिकोन दापोली के कैप्टन और पालन दे के कैप्टन टॉस के लिए आना है, पालन दे और सनिकोन दापोली, चला लवकर लवकर ये जाए। शॉट गेंद थी, मुदस्सर बैक टू पवेलियन, स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर उसामा, एक घातक बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ। जहां तक बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 18 रनों पर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हसन टिकले, कमाल की गेंदबाजी करे, थोड़ा सा कम बैक करते भी रॉयल दापोली की टीम हम देख रहे हैं। इस मैच के अंपायरिंग अमित सर और मकबूल सर क्या कमाल की अंपायरिंग कर रहे हैं बीच मैदान के अंदर, थोड़ी सी गलती होती है।
लेकिन अच्छा अंपायरिंग देख रहे, 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर हम अंपायरिंग के लिए देख रहे, जहां पर गेंदबाजी के लिए हसन टिक रहे, राइट है हमारा विकेट और रिवर्स के लिए गेंद के तरह, इस बार पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, जहां पर अच्छी फील्ड की है, एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ रन संख्या बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कि हसन ने अभी तक बात की तो 4 गेंद फेंकी, 4 गेंदों के अंदर रन खर्च के 3, किफायती गेंदबाजी कर रहे, लाइन के ऊपर लेन के ऊपर गेंदबाजी, मिश्रण गेंदबाजी में हिस्स खिलाड़ी के पास, थोड़ा सा गेंद को कट कर लेते हैं, फिर एक बार स्ट्राइक पर मोहसिन लाला, रिवर्स खेला, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं, विकेट का पतन, मोहसिन बैक टू पवेलियन, बड़े विकेट का पतन होता हुआ, बड़े विकेट बड़ी मस्ती जाल में फंसती हुई, लौटना पड़ेगा मोहसिन को डग आउट के तरफ, डग आउट के अंदर सन्नाटा देख रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे, देखे हसन ने इस मैच का पूरा रूप बदल लिया है, राहत की सांस लिया होगी इस बार जतिन सालगांवकर ने, क्योंकि बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जा रहा है मोहसिन। रन संख्या की बात कीजिए, रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन पर जा पहुंची, जहां पर अगले बल्लेबाज इमरान शेख थे बीच मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। देखिए इस मुकाबले को अगर जीतना है, आखिरी के दाना बाकी, दूसरी बार प्रगति पर चले, जहां पर गेंदबाजी के लिए हसन टिकले ने पूरा मुकाबले का रुख बदल दिया, इस बार 2 विकेट लेकर अपनी टीम को इस मैच के अंदर बने रखा है। एसपी पालन देखे कैप्टन आ चुके हैं, सनी कौन दापोली चला, लवकर लवकर जाए टॉस अड्डी, फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला, इसमें से जीतेगा वो सेमीफाइनल के अंदर राह में बने रहेगा, और जो हारेगा उसका घर का रास्ता था ये दोस्तों। तो इसे एक बार एक बड़ा मुकाबला दोपहर के 17 के अंदर हम देख रहे हैं, एक तरफ रॉयल दापोली, दूसरी तरफ दापोली 11, एक तगड़ा मुकाबला, मोटी लड़त बहादुर है, स्ट्राइकर बल्लेबाज इमरान, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा, जब तक उसामा है तब तक इस मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा हो सबसे बड़ा होने वाला है। इस बार गेंद निकल रही सीमा रेखा पार, इमरान के बल्ले से निकलता हुआ मैग्निफिसेंट शॉटकार, ब्रांडेड शॉटकार, खराब गेंद थी हसन टिकले के ओर से, रन संख्या जाकर पहुंची कुल मिला गिर 25। देखिए इमरान ने स्वागत किया आते ही, इस बार हसन टिकले का स्वाग से करेंगे स्वागत, सनी कोंड के कैप्टन ने चलो जैसे जल्द टॉस के लिए आना है, फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला बीच मैदान के अंदर मोहसिन रखेंगे, 2 ओवर का खात्मा होता हुआ, 2 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 25, यानी कि आने वाली 12 गेंदें, 12 गेंदों के अंदर समीकरण 19 रनों का बना हुआ है। यहां पर गेंदबाजी के लिए हम आकाश सकपाल को देख रहे हैं, पहले ओवर के अंदर कुल मिलाकर 16 रन खर्च किए थे गेंदबाज आकाश सकपाल ने, स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज इमरान, इमरान ने आते ही संकेत को भेजा पंख लगा के सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए, इमरान कमाल का शॉट था, स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा गेंदबाजी के लिए आकाश सकपाल दिखने वाली बात, ओहो इस बार क्लीन बोर्ड, 13 प्लाचेत, स्टेप उद्वस्त, क्लीन बोर्ड बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ। सनी कौन के कैप्टन मोहसिन रखेंगे, जरूर जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है, फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला हम देख रहे हैं दोस्तों, एक बड़ी टूर्नामेंट देख रहे हैं, बिग टूर्नामेंट फैमिली माल चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 के अंदर यह महारण संग्राम रखता हुआ क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला बीच मैदान के अंदर, जहां पर फंसा हुआ मुकाबला देख रहे हैं राहुल दापोली के, इस बार बात की जाए तो बड़े खिलाड़ी डगआउट की तरफ लौट चुके, उसामा जैसा खिलाड़ी, मोहसिन जैसा खिलाड़ी डगआउट के तरफ लौट चुके, अब पूरी जिम्मेदारी रहने वाली इमरान और फहद के ऊपर, जो फहद ने क्या गेंदबाजी की थी,
पूरी तरह से रोक के रखा था दापोली 11 के बल्लेबाजों को, लेकिन आखिरी के ओवर के अंदर आपू ने थोड़ी सी दिशा वाली गेंदबाजी, भटकी हुई गेंदबाजी की और 22 रन खर्च किए थे। इसी वजह से 44 रनों का एक बड़ा टारगेट चेस करते हुए हम नजर आ रहे हैं। यहां पर गेंदबाजी के लिए आकाश तक पर पहली गेंद पर उसामा को बैक टू पवेलियन भेजा। अब फहद स्ट्राइक पर, गेंदबाजी के लिए राइट हैम राउंड विकेट के साथ आकाश सकपाल। यॉर्क लाइन की गेंद, ओहो कमाल की गेंदबाजी कर रहे, देखिए इस बार सीधा बैक टू बॉलर की तरफ गेंद निकलती हुई। यह यॉर्क लाइन की गेंद है, ये क्रिकेट का भ्रमदा अस्त कहते हैं इस यॉर्क लाइन को। ये खोद के जरूर निकाला था फहद ने, लेकिन थोड़ी सी भी देखिए बीच मैदान के अंदर चर्चा हो रही, कान मंत्र देंगे इमरान जरूर फहद को। आने वाले गेंदे मुझे लग रहा है 10 गेंदे होगी, 10 गेंदों के अंदर 19 रनों का समीकरण बंदा होगा। और अगर फील्डिंग की बात की, फील्डिंग की रचना बहुत ही बेहतरीन सी रचना यहाँ पर दिख रही है। जहां तक फिर से एक बार राइट हैम राउंड विकेट आकाश सकपाल, पाले में गेंद उड़ाना चाहते थे, गेंद निकल रही वहां पर, रन लेना चाहते थे, लेकिन इस बार अच्छी फील्ड। इसके बाद होने वाला मुकाबला फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला, जहां पर मोहसिन रखेंगे सनी को दापोली, और पालन देखे कैप्टन आ चुके हैं। गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, पहली ओवर के अंदर 16 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर लेंथ वाली गेंदबाजी हो रही, लाइंथ वाली गेंदबाजी हो रही, और टप्पा अच्छा है गेंदबाजी में, टप्पा और बाहुबली में का टप्पा, अरे टप्पा अच्छा है देखिए बीच मैदान के अंदर गेंदबाजा। फिर से एक बार आकाश तक पर राइट हैम राउंड विकेट, फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, फिर से एक बार बिंदी गेंद, रन संख्या कुल मिलाकर रुकी हुई 25 रन पर, रन संख्या रुकी हुई है देखिए बीच मैदान के अंदर। फसी हुई टीम रॉयल दापोली और दापोली 11 नवाज भाई फकी यांचं आगमन होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्टेज वरती बसून घेत जाय नवाज भाई फकी। मोहसिन रखेंगे सनी कोन के कैप्टन, जल से जलाना टॉस के लिए। ओहो अच्छी गेंद, इस बार गेंद निकल रही है, वहां पर फील्डर मौजूद सज्जाद पटेल, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची कुल मिलाकर 26 रन पर। जहां पर हम देख रहे 18 रनों की जरूरत होगी इस मुकाबले के लिए जीतने के लिए, 7 गेंदे और 18। टॉस होगा फर्स्ट सेमीफाइनल वाला मुकाबला, एक तरफ मोहसिन रखेंगे तो दूसरी तरफ हम देखेंगे पालन देंगे कैप्टन नजर आएंगे। 7 गेंद, 7 गेंदों के अंदर रन की जरूरत 18। फील्डिंग की रचना देखी जाए तो फील्डिंग अच्छी सजा के रखी हुई है गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज साहब दिख रही है आकाश सकपाल। स्ट्राइक पर इमरान, देखने वाली बात कैसी बल्लेबाजी करते इमरान अपने टीम के लिए, उड़ाना चाहते गेंद के नीचे फील्डर आ रहे सज्जाद, कैच ड्रॉप होती हुई सज्जाद पटेल के हाथों से, इस बार एक रन मिलेगा, एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर रन संख्या जब पहुंची 27 रन पर, 3 ओवर का खात्मा। एक गेंद 6 गेंदों के अंदर 17 रनों का समीकरण बीच मैदान के अंदर बना हुआ, जहां पर क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला देख रहे हैं। आकाश सकपाल ने अच्छी गेंदबाजी की, देखिए थोड़े से महंगे साबुत हुए आपू, और मुझे लग रहा है कि लास्ट के जो रन थे आपू के वो मुझे लग रहा है महंगे साबित हो रहे बीच मैदान के अंदर। जहां तक बात की स्ट्राइकर बल्लेबाज इमरान, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं फहद, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मनिया। आने वाली 6 गेंदे, 6 गेंदों के अंदर रन बनाने हैं 17। ये मुकाबला पूरी तरह से झुकता हुआ विकेट जाने के बाद, मोहसिन मुदस्सर और उसामा का विकेट जाने के बाद पूरी तरह से इस बार परला झुका हुआ है दापोली 11 के बीच। देखिए जब तक इमरान है तब तक इस मुकाबले के अंदर जान फूंक सकते हैं, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा ही होने वाला है दोस्तों। हीरो बनने का मौका है और मौके के ऊपर लगाने पड़ेंगे 17, तब हो जाएगी आप इस क्वालिफाई में इस टूर्नामेंट के अंदर। नवाज भाई फकीर विनंती है
स्टेज वरती बसून घ्यायचं. हार्दिक स्वागत आहे तुमचं. चला पुढे एकदा जाऊया. ओहो, इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर. एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते है और दूसरा रन भी आसानी के साथ. अच्छी रनिंग विद द विकेट, दो रन मिलेगी. दो रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची कुल मिला क्या 29. 15 रनों की जरूरत, 5 गेंद 15. स्ट्राइकर बल्लेबाज इमरान चिकटे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए. बात की जाए मनिया गेंदबाजी कर रहे हैं 10-12 कदमों के साथ. एक छोटा सा रन अप हम दिख रहे हैं. होटल स्टे इन एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार यॉर्क लाइन की गेंद सीधा निकल रही है. देखिए इस बार कीपर के दस्तनों में आने वाली चार गेंदों के दौरान 15 गेंदबाजी के लिए. देखिए हम गेंदबाज मनिया को देखे, कमाल की गेंदबाजी कर रहे बीच मैदान के अंदर इमरान. को अगर इस मुकाबले को रॉयल दापोली को जीतना है तो इमरान को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. लंबे शॉट खेलने पड़ेंगे, बिग शॉट खेलने पड़ेंगे, तब जाकर इस मुकाबले के अंदर आप बने रह सकते हैं. एक कड़ा मुकाबला, बिग बैटल, मोटी लड़त. क्या इस मुकाबले के अंदर एक रोमांच बढ़ेगा, क्या इस मुकाबले के अंदर ट्विस्ट आ पाएगा, देखने वाली बात. चार गेंदों के अंदर 15 रन का समीकरण बना हुआ जहां पर गेंदबाज मनिया गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइकर इमरान, ओहो उड़ाना चाहते थे गेंद निकल रही इस बार. देखिए क्या कमाल की गेंदी मनिया, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे आने वाले. देखिए फिर से एक बार, तीन गेंदों के अंदर रन संख्या बनानी कुल मिलाकर 15. अभी भी मैच बन सकती है. सनी कौन दापोले ने टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, फील्ड करेंगे. फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया गेंद को, गेंद के नीचे खुद फील्डर आ रहे हैं. देखने वाली बात, एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और अच्छी कैच वहां पर जतिन सागवकर. विकेट का पतन, इमरान चिकटे बैक टू पवेलियन. इस मैदान के अंदर मुकाबला फंसा हुआ, दो गेंदों के अंदर रन संख्या बनाने कुल मिलाकर 15. जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज बाबू सुरवे, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज फहद. देखने वाली बात, कैसी बल्लेबाजी करते हैं बाबू सुरवे अपनी टीम के लिए. अच्छी गेंद, इस बार गेंद निकल रही है सीधा तीर की तरह खेला. एक रन के साथ रन संख्या जहां पूछी कुल मिलाकर 30 रन पर. यानी आने वाले गेंद एक गेंद के ऊपर 14 रनों का समीकरण बना हुआ जहां पर फहद स्ट्राइक पर. और यह मुकाबला पूरी तरह से दापोली 11 के तरफ झुकता हुआ. यहाँ पर अगली गेंद राइट हम ओवर द विकेट, ओहो अच्छी गेंद. और यह मुकाबला दापोली 11 ने जीता है. कॉन्ग्रेचुलेशन दापोली 11, हार्ड लक बॉयज रॉयल दापोली. और इस मैच का मैन ऑफ द मैच अक्का सकपाल, करते हैं मैन ऑफ द मैच. अक्का सकपाल चलाइए मैन ऑफ द मैच, करते हैं
नवाज भाई फकी सन्मानित करतील अख्खर सकपाल याला मॅन ऑफ द मॅच. चला टाळ्या होऊन जाते 11 साठी. नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या ओव्हर मध्ये 16 रन खर्च केल्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये फक्त 2 धाव खर्च करून आपल्या संघाला विजय मिळवले. नक्कीच अक्कसकपत चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली. पहिल्या ओव्हर मध्ये 16 रन खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये एक चांगला कमबॅक होता एच के लाडूचा. चला सोनी सनिकोंड दापोली चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं लवकर लवकर. सनिकोंड दापोली फर्स्ट सेमीफायनल वाला मुकाबला दोस्तों आ रहा है. कुठेच जाऊ नका इथेच थांबा. सनी कोण दापोली तुला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सनी कोण दापोली तुला अजून 2 सामने खेळवायचे. सनी कोण दापोली चला लवकर लवकर. सनी कोण दापोली चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. याच दरम्यान सनी कोण या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी स्वीकारले. लवकरात लवकर आपली फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. फॅमिली मॅन चॅम्पियन्स ट्रॉफी आयोजित या स्पर्धा आहे. स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आपण पाहतोय. शेवटच्या स्पर्धेतील हा सामना आपण पाहतो. सनी कोंड आणि श्री विठ्ठल पाळंदे या संघा दरम्यान सनी कोंड संघाला विनंती आपली लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. फर्स्ट सेमी फायनल आपण पाहतोय या मैदानामध्ये. ऐतिहासिक आजाद मॅच दापोली या आधीच्या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर दापोली संघाने खूप चांगला परफॉर्मन्स दाखवला आणि संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचं नक्कीच अभिनंदन आहे. सोहेल नांदगावकर सर सुद्धा आमच्या सोबत जोडलेले आहेत. नक्कीच त्यानंतर त्यांचा सुमधुर आवाज आपण थोड्या वेळ नक्कीच ऐकणार होतो. या दरम्यान गोलंदाजीला 5 रन केलंय ते सनी कोंड संघाला. सनी कोंड संघाने लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. खरं तर अजून काही सामने खेळवायचे आहेत. तापिल इव्हेंट्सच्या माध्यमातून युट्यूब चॅनलवर आपण सामने पाहतोय. नक्कीच चांगली स्पर्धा आहे. चांगलं नियोजन चांगलं आयोजन आहे या स्पर्धे दरम्यान आपण पाहतोय. या दरम्यान ग्लोबल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स चा जो एंड आहे त्याच्यावर जर षटकार मारले तर 200 रुपयाचा पारितोषिक नक्कीच फैजान पुरकर यांच्याकडून आहे. या दरम्यान 500 रुपयांचा पारितोषिक वाढवलेला आहे. 500 रुपयांचा पारितोषिक आहे फैजान पुरकर यांच्याकडून. यासाठी पंच म्हणून मकबूलभाई बुरोणकर आणि मया शिंदे काम पाहणार आहेत. रॉयल दापोली आणि दापोली संघ एक नावाजलेले नक्कीच संघ होते. थोडंसं जड झाला होता मोसिनच्या फटकेबाजीने. मात्र त्यानंतर सुरेख गोलंदाजी केली ती आकाश सकपाळेने आणि दापोली संघ हा विजयी झाला. विजयी संघाचं नक्कीच अभिनंदन आहे. सर आपण आझाद मैदानामध्ये पाहिलं ऐतिहासिक आपलं आझाद मैदान आपलं दापोलीचं आहे. मात्र ही जी टुर्नामेंट पाहतोय फैजान भाई तर पारितोषिक कमी आहे. मात्र नियोजन आणि आयोजन खूप चांगलं आहे. जर पाहिलं तर प्रत्येक मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी त्यांनी ठेवलेला आहे. मेडल ठेवलेला आहे. आणि शेवटचा दिवस आपण युट्यूब लाईव्ह हे सामने पाहतोय. चांगले नियोजन चांगलं आयोजन नक्कीच आहे. दापोली इव्हेंटच्या माध्यमातून हे आपण सामने पाहतोय. श्री विठ्ठल पाळंदे संघाचे सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाते. पांडू
सिद्धू आणि पांडू सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. चार षटकांचा सामना असणार आहे. समोरचा संघ सुद्धा खूप तगडा आहे. सनी कोंड हा संघ आहे. कृपया पंचांना सुद्धा विनंती आहे सामना लवकरात लवकर चालू करून घ्यायचा आहे. चार षटकांचा सामना असणार आहे. दोन एंड पाहिले तर स्टे हॉटेल स्टे इन एंड आणि दुसरा एंड असणार आहे तो रजा दरबार एंड. हे दोन्ही एंड आहेत दरवेश भाई यांच्याकडून पुरस्कृत आहेत. नक्कीच त्यांचं सुद्धा अनमोल योगदान या टुर्नामेंट साठी असणार आहे. लवकरात लवकर सामना चालू करून थोड्याच वेळा आपण मैदानामध्ये नक्कीच जाणार आहोत. लाईव्ह सामने आपण पाहणार आहोत. यजमान मजिदभाई चिकट्यांचं सुद्धा आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. त्यांनी स्थानापन्न व्हायचं आहे. वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे पहिलं षटक घेऊन येतोय तो. याच दरम्यान चमचमीती ट्रॉफी आपण पाहतोय. फॅमिली मॅल चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहतोय. या ट्रॉफीचा मानकरी कोण ठरेल तर थोड्याच वेळात आपल्याला नक्कीच कळणार आहे. ट्रॉफी चमचमीती आलेली आहे मैदानामध्ये आपण पाहतोय. रझा दरबार यांकडून गोलंदाजीला सज्ज होतोय. साकीब स्ट्राईकला असणार आहे तो पांडू. पंच मकबुलबाईंच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सज्ज होतो तो गोलंदाजाने साकीब स्ट्राईकला असणार तो पांडू. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू आहे. चांगला चेंडू आहे. एकही धाव मिळतात. निर्धाव चेंडू आता मात्र नक्कीच गोलंदाजी चांगली होते. सनी कोंड या दापरी समोर नक्कीच. सनी कोंड हा संघ युवा असेल मात्र क्षमता आहे आणि ती क्षमता सिद्ध करतोय. गोलंदाजीला सज्ज होतोय साकीब. पहिल्या चेंडूवर चांगली गोलंदाजी करतोय तो साकीब. याच दरम्यान मजिदभाई चिकटे यांच्याकडून पारितोषिक आलेलं आहे. साकीबनी जर दोन सलग विकेट घेतले तर 500 रुपयांचा पारितोषिक मजिदभाई चिकटे यांच्याकडून. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सज्ज होतो साकीब. साईकला असणार फलंदाज पुन्हा पांडू. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. तेवढी चांगली फिल्डिंग होते. सलग दोन निर्धाव चेंडू. पांडू सारखा खेळाडू आहे. स्टार खेळाडू आहे. आझाद मैदानातील एक नावाजलेला खेळाडू आहे तो पांडू. आणि त्याला धाबा देत नाही आहे. जखडून ठेवतोय तो गोलंदाज साकीब. धाबा मात्र मिळत नाही. अजूनही फलकावर एकही धाव लागलेली नाही आहे. पुन्हा एकदा मजिदभाई चिकटे यांच्याकडून पारितोषिक आलेलं आहे. जर नाझीम रखांगे यांनी दोन झेल टिपले तर नाझीम भाईसाठी मजिदभाई चिकटेकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. आता मात्र बक्षिसांची खैरात नक्कीच होते. कारण टुर्नामेंट मोठी आहे. स्पर्धा मोठी आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सज्ज होतोय साकीब. स्ट्राईकला पुन्हा एकदा पांडू. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका मारतोय. झेल होतोय. झेल खाली जातोय. मात्र झेल होणार वन बाउन्स जातोय. चार धावा. चार धावांनी धावसंख्या मात्र फलकावर लागले. चार धावा मिळत आहेत. चार धावांनी धावसंख्या नक्कीच फलकावर लागले. पहिले चेंडू नक्की दोन टाकले होते निर्धाव. त्यानंतर मात्र पांडूसारखा खेळाडू स्टार खेळाडू मात्र थांबू शकत नाही तो आणि आपला करिश्मा दाखवतोय आणि चार धाव वसूल करतोय. चार धावांनी धावसंख्या वाढली. धावसंख्या दिली ती चार. रझा दरबार यांकडून गोलंदाजीला पुन्हा सज्ज होतोय तो साकीब. साकीबसाठी नक्कीच पारितोषिक आलं. मजिदभाई चिकटे यांनी दोन विकेट घेतल्या असल्या तर 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. पण आता गोलंदाजीला सज्जवतो. मात्र थोडस लाईनमध्ये चुकला आणि नक्कीच चुकला असेल तर थांबणं गरजेचं असणार आहे. आपण पाहिले तर चमचमीची ट्रॉफी नक्कीच पॅनलमध्ये दाखल झाली. या ट्रॉफीचा मानकरी कोण ठरेल तर थोडस वेळाने कळेल नक्कीच. नाझीम राखेंसाठीचा पारितोषिक. सलग दोन झेल टिपले तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक मजिदभाई चिंडू. आता गोलंदाजीला सज्ज होतोय तो साकीब. आता चांगला चेंडू आहे. सुंदर चेंडू आहे. थोडासा चेंडू खाली गेला आणि बॅटवर चेंडू आलेला नाही. नक्कीच चांगली गोलंदाजी म्हणावे साकीब याची. चांगली गोलंदाजी. पहिले षटक प्रगती पत्र. पहिले षटक पॉवर प्लेचं षटक आहे. मात्र धावसंख्या जास्त त्याला उभारता येत नाही. मात्र चांगली गोलंदाजी होते ती साकीब याच्याकडून. फक्त चार धावा झाल्यात आतापर्यंत.
गोलंदाजी खूप चांगली करतो, जसं साकीब स्ट्राईकला येतो पांडू, पांडू सारखा स्टार खेळाडू समोर आहे, त्याच्यासमोर गोलंदाजी करणं खूप कठीण असतं, मात्र गोलंदाजी खूप चांगली हाताळतोय तो साकीब. मात्र पांडूच्या बॅटवर चेंडू येत नाही, नक्की चौकार मारल्यानंतर मात्र गोलंदाजी खूप चांगली करतोय तो साकीब. पुन्हा एकदा रजा दरबार एंड कडून गोलंदाजीला सज्ज होतोय तो गोलंदाज म्हणजे साकीब, स्ट्राईकला असणार आहे तो पांडू. आता मात्र फटका मारतोय, झेल होतोय का, झेल खाली स्वतः साकीब जातोय आणि झेल टिपतोय आणि मोठा मासा गळाला बसतोय आणि पांडू माघारी परततोय. चांगली गोलंदाजी होते ती साकीब याच्याकडून. एक गडी बाद, धावसंख्या आहे ती 4. नक्कीच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे साकीब याचं, कारण का साकीब एक नक्कीच स्टार खेळाडू आहे, एक्सपिरियन्स खेळाडू, त्याच्यासमोर मात्र तगडा कौतुक करावं नक्कीच. फॅमिली माळ चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे जे सगळे आयोजक आहेत, नक्की स्पर्धा होणं गरजेचं आहे. आपला आजाद ऐतिहासिक आदाज मैदान त्याच्यामध्ये पूर्णपणे टुर्नामेंट होत असतात, मात्र या टुर्नामेंट होणं गरजेचं असतात, त्यामुळे आपल्या नवीन खेळाडूंना संधी मिळते. या दरम्यान चांगला चेंडू आहे, सुंदर चेंडू आहे, फ्रीट आहे, त्यामुळे अपील होत आहे, मात्र अपीलला दाद देऊ शकत नाही आमपंच. याच दरम्यान बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळते